लेकिन हाँ, कभी कभी क्या है कि नसीब से भी बॉल सीधा चले जाता है। अभी लेग स्पिन शायद इसलिए इतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है क्योंकि इंडिया की कंडीशंस में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरत है। तो अगर आप एक जगह पे बॉल नहीं डाल सकते हो कंसिस्टेंटली और आपके पास उतना कंट्रोल नहीं आ पा रहा है, तो फिर क्या है कि आपके बैट्समैन जो इतने ज़बरदस्त है कि आप मिस करोगे तो वो बाउंड्री जाएगी या छक्का जाएगा। तो उसमें फिर मुंबई में जो आई गेस मेरा नसीब है वो ऊपर वाले से है, जो मैं मेहनत करता हूँ और जो मिला है वो तो आई गेस मैं काफ़ी खुश हूँ। लेट्स बी ऑनेस्ट, उनके स्टैट्स, उनके जो करियर है, कहेंगे सम ऑफ द ग्रेट्स। ये आई गेस चैलेंजिंग देम डिफरेंटली टू अदर्स एज यू वुड। नमस्कार। एक मुलाकात तो उस शख्सियत के साथ जिसके लिए भारतीय बल्लेबाजों को उन्हीं के पीठों पर आउट करना बाएं हाथ का खेल था। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एजाज पटेल की। एजाज पटेल ने मुंबई टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड के लिए जीत में बड़ा रोल निभाया और अगर आज न्यूजीलैंड 3-0 से क्लीन स्वीप करके बहुत ज्यादा खुश है, इतिहास रचकर वो बहुत गौरव महसूस कर रहे हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एजाज पटेल हैं जिनकी शानदार गेंदबाजी ने भारतीय बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। एजाज पटेल अब क्योंकि न्यूजीलैंड रवाना हो रहे हैं और न्यूजीलैंड रवाना होने से पहले ठीक पहले हमने उनसे गुजारिश की कि थोड़ी बातचीत की जाए। एजाज पटेल खुद हमारे साथ इस समय मौजूद है। एजाज भाई गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही पहला सवाल तो यही जहन में आता है कि टर्निंग ट्रैक पर ऐसे आखिर ऐसा क्या सीख कर आप आए थे जिसकी वजह से भारतीय बल्लेबाज लगातार चक्कर गिनने की तरह आपकी गेंदबाजी के सामने घूमते नजर आए, और खासतौर से अगर हम बात करें टर्निंग ट्रैक पर अगर सीधी गेंदें अगर आपको डालना आता है तो आप बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं, क्योंकि हमने देखा पुणे में भी सैटर ने सीधी गेंदों पर आउट किया भारतीय बल्लेबाजों को, और आपने भी कुछ इसी तरह की मास्टर क्लास हम सबके सामने रखा जब आपने मुंबई में भारत के तमाम टॉप ऑर्डर के धुरंधर बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। क्या कुछ खास किया है और आपने, और क्या करना पड़ता है जब आप टर्निंग ट्रैक पे अगर सीधी गेंद डालना चाहे तो? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन ये क्या है कि ये कला होती है हर एक स्पिनर के पास होनी चाहिए। स्पेशली आप अगर एशिया में आते हो, सब कॉन्टिनेंट में आते हो, तो जो मुश्किल रहता है वो है बॉल सीधा डालना। क्योंकि कभी काफ़ी विकेटों पे ऐसा होता है कि हर एक बॉल अगर आप टर्न करना चाहो तो टर्न कर सकते हैं, लेकिन जो चैलेंज है वो बॉल को सीधा रखना है। तो उसमें रंगना ने भी काफ़ी मदद की है, उसने भी थोड़ी नई टेक्निक सिखाई है हमारे को, थोड़े एक्शन में टेक्निक सिखाई है, तो जल्दी करके बैट्समैन को क्यूज़ नहीं मिलते हैं। तो वो सब चीज़ें हमने प्रैक्टिस की है, और हमको पता था कि बैटिंग में भी हमारे बैट्समैन के लिए जो जो डेंजर बॉल है, जैसे कहेंगे कि वो जो सीधा बॉल जाता है वही डेंजर है, तो उसमें हमने ख्याल रखा है बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। लेकिन हाँ, कभी कभी क्या है कि नसीब से भी बॉल सीधा चले जाता है। एजाज भाई खुद आप क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर है और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर ही ये बता सकता है कि भारतीय पिचेस पर वो इतने डेंजरस क्यों हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम 90 के दशक से याद करें, इकबाल कासिम ने 96 में एक टर्निंग ट्रैक पर भारतीय बल्लेबाजी को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया था। सनी भाई वहां पे सिर्फ बैटिंग कर पाए थे, फिर मोंटी बनेसर आते हैं यहाँ पर, वो बहुत शानदार गेंदबाजी करके जाते हैं और इंग्लैंड वो सीरीज जीत जाता है। अब इस टेस्ट सीरीज की बात करें, 3-0 से अगर न्यूजीलैंड जीता है तो अहम किरदार निभाया अमित सैटनर और आपने, दोनों ने कमाल की गेंदबाजी की। क्या कुछ आपको लगता है बाएं हाथ के स्पिनर क्यों भारतीय बल्लेबाजी के लिए एक हवा की तरह देखे जाते हैं? देखिए सर, लेफ्ट आर्म स्पिन आई गेस वर्ल्ड में मशहूर है इसलिए क्योंकि एक तो हमारा बॉल राइट ही से बाहर घूमता है, तो वो एक चैलेंज रहती है, और इंडिया की कंडीशंस और मोस्ट एशियन कंडीशंस में ऐसा है कि टर्न मिलता है आपको, तो उसमें क्या है कि आप वो टर्न का यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर जो अच्छे स्पिनर है उनको पता है कि बॉल को कब टर्न करना है, कौन सी पेस से टर्न करना है, कभी सीधा डालना है, तो वो क्या बैट्समैन के लिए अगर आप अच्छे कंट्रोल से डाल रहे हो, अच्छे पेस से डाल रहे हो, वो काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है। अभी लेग स्पिन शायद इसलिए इतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है क्योंकि इंडिया की कंडीशंस में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरत है। तो अगर आप एक जगह पे बॉल नहीं डाल सकते हो कंसिस्टेंटली और आपके पास उतना कंट्रोल नहीं आ पा रहा है, तो फिर क्या है कि आपके बैट्समैन जो इतने ज़बरदस्त है कि आप मिस करोगे तो वो बाउंड्री जाएगी या छक्का जाएगा, तो उसमें फिर आपको फिर प्रेशर आता है। तो आई गेस लेफ्ट आर्म स्पिन में कंट्रोल भी है और बॉल बाहर घूम रहा है, तो वो
फायदे होते हैं। चलिए अजय भाई, एक बात और जो तमाम फैंस आपसे पूछना चाहते हैं कि मुंबई में वड़ा पाव खा के आप भारतीय बल्लेबाजों को कोई भाव नहीं दे रहे, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? मुंबई की पिच आपको इतना रास क्यों आती है? पिछले दौरे पे आते हैं आप 10 के 10 विकेट ले जाते हैं, इस बार आते हैं आप तो भारतीय बल्लेबाजी को तहस नहस कर देते हैं पूरी तरह से। और भारत जो भी स्पिनर ट्रैवल करता है उनमें अब सबसे नंबर एक का अगर स्पिनर कोई है तो वो एजाज पटेल है। क्या है मुंबई कनेक्शन आपका? देखिए सर, अब पहली बात तो मुंबई मुंबई में जो आई गेस मेरा नसीब है वो ऊपर वाले से है, जो मैं मेहनत करता हूँ और जो मिला है वो तो आई गेस मैं काफ़ी खुश हूँ। लेकिन इंडिया के पास बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट। उनके स्टैट्स, उनके जो करियर है, कहेंगे सम ऑफ द ग्रेट्स। तो लेकिन मेरे लिए ऐसा था कि मेरा काम है मेरे मेरे बॉल डालना है और मुझे चैलेंज करना, और ये सब चीज़ें मैं इंजॉय भी करता हूँ। अच्छे प्लेयर्स के सामने बॉलिंग करना वो मतलब काफ़ी एक्साइटिंग रहता है कि आप अच्छे प्लेयर को बॉलिंग डाल रहे हो, उनको चैलेंज कर रहे हो, और फिर उनको वर्कआउट करना कि उनको कैसे डिसमिस करना, तो ये एक तरह से चैलेंज होता है। और अच्छे स्पिनर के लिए वो बहुत अच्छी चैलेंज होती है, मज़ा आता है उसमें। क्योंकि उसमें फिर आपको टेस्ट करते हो कि कैसे क्या करना है, दिमाग से थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ता है कि टेक्निक क्या है, सरफेस क्या है, पेस क्या है, तो वो सब चीज़ों में थोड़ा मज़ा आता है आई गेस एज अ स्पिनर। अच्छा एजाज भाई, एक बात बताएं जरा, ड्रेसिंग रूम में क्या चल रहा था जब 147 रनों का लक्ष्य आपने रखा हिंदुस्तान के सामने? क्या कुछ चल रहा था कि भारत आसानी से हासिल कर लेगा, या आपको पता था कि बेंगलुरु और पुणे में जिस तरह बल्लेबाजी कोलैप्स हुई है कुछ उसी तरह का कोलैप्स हो सकता है? आपको अपने अपने प्लान पे स्टिक रहना है, और कौन सा वो मोमेंट आपको लगा आया जब कि लगा कि अब हम इस टेस्ट मैच को जीत सकते हैं और क्लीन स्वीप कर सकते हैं? हाँ देखो सर, गेम जीतने के लिए आपको विश्वास होना चाहिए। अगर आप बिलीव नहीं करोगे तो फिर वो पॉसिबल नहीं रहेगा, और फिर वो दिमाग में भी बैठ जाता है। तो पूरे टाइम हम वही सोच रहे थे कि हम जीत सकते हैं, हम जीत सकते हैं, तो वो रहता है। तो फिर आपका माइंडसेट भी क्लियर रहता है, फ्रेश रहता है, और अटैकिंग भी रहता है। वरना क्या है कि आप अगर डर के खेलोगे तो फिर ऑपोजिशन के लिए फिर इजी हो जाता है। तो मेन चीज़ ये है कि स्मॉल जब टोटल्स रहते हैं और उसमें आपको डिफेंड करना है, तो बिलीव बहुत जरूरी है और बिंदास जाके खेलना है, डरना नहीं है। एजाज भाई, एक आखिरी सवाल, ऋषभ पंत ने इस सीरीज में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे, कैसे आप रेट करते हैं उनकी बल्लेबाजी का? हाउ यू रेट ऋषभ पंत एज अ बैट्समैन? यू हैव बोल्ड सो मेनी लेफ्ट हैंडर्स, हाउ यू रेट ऋषभ पंत एज अ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन? ओह लुक, आई मीन He's, I guess, immensely talented. The amount of, I guess, power he has, but the class that he's got is pretty special. And you know, he's a player that kind of puts pressure from ball one. I think he doesn't have that sense of fear of being dismissed. But he also uses, I guess, his skill set and his strengths to put pressure on you as a bowler. He makes sure he uses the right matchups in terms of, you know, what's going to get him the most amount of runs. And I guess, unfortunately for me, I was probably that matchup throughout the series. So he really, really tried to take me down every time I kind of came on. But also it was great for me as well, because for me it was about going, okay, well, I know that he's going to come and try and take me on. How do I kind of tackle that? And I felt like I did a great job, especially in this last test in Mumbai, where I made sure that, you know, I kept it flat to him, kept it quicker, but also kept him guessing on what was coming next. He was still batting really well, and you know, we knew as long as he was at the crease, there was a lot of pressure on us. So yeah, it was about continuing to challenge him and make him, I guess, now start guessing what is coming next, and what delivery is going to be coming next, at what pace, what length. And it's really, I guess, out the box when it comes to test cricket, because I mean, test cricket's all about control and putting the ball in good areas for long periods of time. But sometimes for players like that, if you put two balls in a good area, then the third one's going to go for 4 or 6. So
It's about, I guess challenging them differently to others as you would. चलिए अजय भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग का जो आर्ट है उसको आप पूरी दुनिया में एक बार फिर उसको कहते हैं ना स्थापित करने का काम करेंगे, क्योंकि एक समय ऐसा था जब लेफ्ट आर्म स्पिन वर्ल्ड क्रिकेट से गायब हो रही थी, लेकिन सडनली आपके स्पिन ने, या मिस सैटनर की बात करें, रविंद्र जडेजा या कुछ ऐसे गेंदबाज हैं जो लेफ्ट आर्म स्पिन के आर्ट को जिंदा रखे हुए हैं, और हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी की ऐसी चर्चा होती रहेगी और आपकी उंगलियों का जो जादू है हम अब आने वाले समय में लगातार देखते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।